नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, हम लोग तो टैली में कुछ ना कुछ ऐड तो करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि इस इनवाइस कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों, मैंने ये टैली ओपन कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी एक सेल्स इनवाइस ओपन करता हूँ, इधर मैं इसके प्रीव्यू में जाता हूँ, तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सुधीर AGRM करके लिखा हुआ है, सारा डिटेल आ रहा है, GST नंबर वगैरह आ रहा है, स्टेट आ रहा है, लेकिन इनका एड्रेस नहीं आ रहा है। ना तो इनका कंसाइनी में एड्रेस आ रहा है, ना तो इनका एड्रेस आ रहा है बायर में। तो यानी कि दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग कोई भी चीज को इनवॉइस से डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम डेवलपर ओपन कर लेना है। टैली प्राइम डेवलपर ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक फाइल में जाके न्यू फाइल ऐड कर लेते हैं। इनवॉइस कस्टमाइजेशन डिलीशन करके मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये जो भी मैंने फाइल सेव किया है दोस्तों, ये अपना यहाँ पे टेक्स्ट फाइल अपनी ऐड हो जाती है। जो भी कोड आप वहाँ पे लिखोगे, इसी में वो कोड आपका सेव होते जाएगा। अपने को इनवॉइस का डिटेल देखने के लिए कि अपने को डिलीट क्या करना है, एक्चुअली जो यहाँ पे जो आपकी इनवॉइस दिख रही है, इसमें कौन से आपको डिटेल डिलीट करने हो, देखने के लिए आपको टैली डेवलपर में क्या चेक करना रहेगा। तो अपने को टैली डेवलपर में जाना है। यहाँ पे Ctrl+J करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे अपने को फॉर्म करके लिखना है, और इधर फॉर्म के बाद में डिफिनीशन नेम लिखेंगे, कॉम्प्रहेंसिव इनवॉइस। कॉम्प्रहेंसिव इनवॉइस करके यहाँ पे आ रहा है, इसको अपने को गो कर देना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अपना एड्रेस जो आता है दोस्तों, कंसाइनी में भी आता है और यहाँ पे बायर के अंदर भी एड्रेस आता है। तो यानी कि अपने को जाना है बायर और कंसाइनी वाले पार्ट में। तो हम लोग दोस्तों अभी हैं यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव इनवॉइस के अंदर में। ये अपना फॉर्म हो गया, फॉर्म के अंदर पार्ट आता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इनवॉइस टॉप करके, EXPIN वाली पेज ब्रेक करके, EXPIN में डिटेल्स करके आ रहा है। उसके बाद इसमें बॉटम पार्ट्स भी है, टोटल का, साइन ऑफ का, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब आपको एक एक करके चेक करना है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इनवॉइस टॉप पर क्लिक करूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर अपना स्टैंडर्ड इनवॉइस टॉप करके लाइन आ गई। फिर उसके बाद इसमें आपका जीरो डिस्कनवर का पार्ट ऐड हुआ है। तो यानी कि इसमें अपना बायर और कंसाइनी का डिटेल नहीं है। अपन वापस से चलते हैं इसमें, फिर से यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल के साथ में, इसके ऊपर अब क्लिक करते हैं ओपन पेज ब्रेक के ऊपर में। अब इसमें पेज ब्रेक पे आने के बाद में आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें दिख रही हैं। टाइटल दिख रहा है, लीडिंग करके दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है। तो टाइटल में तो अपना टाइटल आएगा, टाइटल वाली चीज़ें रहेंगी। तो अब यहाँ पे जो EXPIN लीडिंग करके दिख रहा है, इस पर हम लोग कंट्रोल के साथ में क्लिक करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पार्ट इधर दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपका EXPIN बायर वाला भी पार्ट है, EXPIN कंसाइनी वाला भी पार्ट है दोस्तों। तो अपने को इसी पार्ट में जाके उस लाइन को डिलीट करना है जिसमें एड्रेस लिखा रहता है। तो अब जैसे यहाँ पे कंसाइनी वाली लाइन है, EXPIN कंसाइनी करके, इसके ऊपर हम लोग कंट्रोल के साथ में क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, अब अपने को ये पार्ट यहाँ पे मिल चुका है, और इस पार्ट के अंदर में जो भी लाइन्स अपनी ऐड है, जो भी रिपीटेड लाइन्स ऐड है, वो सभी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपने को कुछ नहीं करना, यही वाले पार्ट को कॉपी कर लेना है, या तो अपन एक ही साथ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे रिपीटेड तक आपको पूरा ये लाइंस और रिपीटेड दोनों साथ में ही कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे अपने वाले कोड में इसको पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों, अपने को एड्रेस वाली लाइन डिलीट करनी है। तो यहाँ पे जो लाइन में अपने को एड्रेस वाले को खोजना है कौन सा है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं EXPIN कंसाइनी एड्रेस करके लिखा हुआ है। तो इसको अपन रखेंगे और बाकी को यहाँ से हटा देंगे, और ये जो रिपीट वाली लाइन है, रिपीट वाली लाइन को भी अपने को रखना है। अब इन दोनों लाइन्स को अपने को डिलीट करना है दोस्तों। अभी मैं एक बार आपको वहाँ पर एड्रेस डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डिलीट करने से क्या इफेक्ट आएगा वो मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे पार्टी और कंसाइनी डिटेल, यानी बायर और कंसाइनी डिटेल में मैं यहाँ पे एड्रेस डाल दे रहा हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगर प्रिंट करने के लिए, मैं इसको प्रीव्यू में जाके देखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर और कंसाइनी का अभी एड्रेस अपना डला हुआ है दोस्तों। अब इसमें अपने को दोस्तों कोड में सिर्फ अपने को डिलीट लिखना बचा हुआ है, अपना एक कोड कम्प्लीट है डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे बस आपको डिलीट करके लिखना है, कॉलन का चिन्ह लगा देना है, इसको भी अपन डिलीट कर देंगे, कॉलन का चिन्ह लगा देंगे, और इसको सेव कर देते हैं। अब इसमें मैं TDL को लोड करता हूँ, यहाँ पे चले जाएंगे हेल्प में, TDL एंड एड ऑन, मैनेज लोकल TDL, अपना जो भी TDL है वो अपने को इधर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा डेस्कटॉप में डिलीट करके इनवॉइस कस्टमाइजेशन डिलीशन करके ये लिखा हुआ है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, एक एरर दिखा रहा है कि डुप्लीकेट डिफिनेशन ऑफ EXPIN कंसाइनी करके।
तो अब ये आपका डुप्लीकेट डिफिनीशन वाला इसलिए आता है क्योंकि ये ऑलरेडी टैली में मौजूद रहता है दोस्तों। ये एक्सपीआई यूनिक कंसाइनी जो है अपना टैली में पहले से मौजूद है, तो उसके लिए अपने को इधर हैश लगाना पड़ता है। अब इसका हैश लगा के सेव कर देंगे, अपलोड करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसमें जो डुप्लीकेट वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो हट चुकी है। अब चलते हम लोग यहाँ पे इनवॉइस प्रिंट करके देखते हैं एक बार कि उसमें कंसाइनी वाला एड्रेस हटा कि नहीं हटा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसाइनी वाला जो एड्रेस है वो डिलीट हो चुका है और इसमें बायर वाला एड्रेस बस बचा हुआ है जो यहाँ पे आ रहा है। अब बायर वाले को भी डिलीट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेम अभी जो अपना कंसाइनी करके ये लिखा हुआ है सेम इसी का पार्ट अपने को बायर वाले में जाके वहाँ से बायर का भी एड्रेस अपने को डिलीट कर देना है। यानी कि अपना ये वाला जो TDL था EXPINV लीडिंग वाला, इसमें आप कंट्रोल क्लिक करेंगे, लीडिंग में पहुंच जाएंगे। अब इसमें जो बायर वाला है इस पर कंट्रोल क्लिक करेंगे, अब ये बायर वाला डिटेल अपने पास आ चुका है। सेम ऐसे इसको भी कॉपी कर लेना है और इसमें भी अपन सिर्फ एड्रेस को बस रख लेंगे और इसमें भी बस अपने को डिलीट लिख देना है। तो जो लाइन आपको डिलीट करनी है इस तरीके से आप इनवॉइस से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर हैश लगाते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, ये सेव हो गया। अब मैं वापस से चलूँ, अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ TDL, यानी कि अपने को दोबारा लोड कर देना है, और इसको कंट्रोल पी करता हूं और यहां पे प्रीव्यू में जाके अगर देखूं तो यहां से अपना बायर डिटेल भी दोस्तों डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों पहले से जो भी डिटेल था टैली के अंदर में उसको तो आपने डिलीट कर दिया, अब आप अपना खुद का डिटेल कैसे ऐड कर सकते हैं चलिए ये भी देख लेते हैं। अपना खुद का डिटेल दोस्तों ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस भी पार्ट का आपने डिटेल डिलीट किया हुआ है वहीं पर आपको ऐड भी करना है। अब अपनी लाइन खुद की ऐड करनी है तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड लाइंस, ठीक है, लाइन या लाइंस आप लिख सकते हैं आफ्टर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अपने को EXPINV बायर वाली ये लाइन दिख रही है, इसी के आफ्टर में अपन ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड लाइन आफ्टर EXPINV बायर, और यहाँ पे आपको खुद का अपना लाइन का नाम लिख देना है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया दोस्तों LW ऐड लाइन बायर करके, अपने हिसाब से अपन कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसी को मैं सेम ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ बायर के लिए भी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला कंसाइनी का था तो इसमें अपना ये नाम कंसाइनी होगा। तो एक अपना दोस्तों हो गया यहाँ पे कंसाइनी के लिए, दूसरा लाइन हो गया बायर के लिए। तो ये लाइन अपनी खुद की लाइन है। पहले अपन ने क्या किया, डिलीट किया लाइन को, और उसके बाद फिर अपन अपनी खुद की लाइन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब ये वाली जो लाइन अपन यहाँ पर डाल के रखे हैं, यहाँ पर नाम जो डाल के रखा हुआ है, इसी को अपन यहाँ पर डिफिनीसन बना लेंगे। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे लाइन, यहाँ पे पेस्ट कर देना है दोस्तों, और इसके अंदर अपने को फील्ड ऐड कर देनी है। ऐड फील्ड कर देंगे, ABC कुछ भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम ऐसे ही बायर वाले के लिए भी कर लेंगे, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लेंगे, लाइन लिखेंगे, इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे फील्ड ABC बायर करके मैंने लिख दिया दोस्तों। तो बस इतना ही अपना काम था। अब मेन अपना काम आ गया है कि आपको इसके फील्ड के अंदर में डिटेल क्या डालना है। तो इस फील्ड के अंदर अपने को जो भी डिटेल डालना है कैसे डालना है वो इस तरीके से अपन इसका भी यहाँ पे डिफिनीशन बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिख देना है फील्ड, इसका नाम पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर जो भी आपको डिटेल सेट करना है उसको आप सेट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ABC कंसाइनी एड्रेस करके लिख दिया, और सेम ऐसे ही इसको भी अपन बायर वाले के लिए भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको कंसाइनी एड्रेस की जगह में कुछ और भी चीज़ें अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ में। अब मैं इसको TDL को सेव करता हूँ, अब देखते हैं कि यहाँ पे जाके कि ये चीज़ें चेंज हुई कि नहीं हुई। तो ये एक सिर्फ मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कोई सा भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, पुराना इसमें जो भी नॉइस का डिटेल है उसको डिलीट करके अपना खुद का डिटेल ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ABC कंसाइनी एड्रेस इस तरीके से आ रहा है। इसमें आपको बॉर्डर वगैरह देना है तो आप बॉर्डर वगैरह भी सब कुछ ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो अपने को लाइन के अंदर या फील्ड के अंदर जहाँ भी आपको बॉर्डर ऐड करना है वहाँ पर आप डाल दीजिए बॉर्डर। इधर मैं यहाँ पर बॉर्डर डाल दे रहा हूँ दोनों में थिन बॉक्स करके। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो फील्ड का डिटेल है, फील्ड के डिटेल को भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप यूज कर लीजिए नेम फील्ड का, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा नेम फील्ड यूज करने से। और यहाँ पे आप स्टाइल वगैरह जो भी चीज़ें डालनी है आप डाल सकते हैं, कलर वगैरह डाल सकते हैं प्रिंट FG करके, और जो भी आपको कलर देना है आप दे दीजिए, रेड देना है, ब्लू देना है। जैसे एक में मैं यहाँ पर रेड कर दे रहा हूँ, एक में इधर ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे आप स्टाइल वगैरह दे सकते हैं बोल्ड करके, आपको कैसा फॉन्ट दिखना चाहिए। फॉन्ट का नेम डालना है तो आप फॉन्ट का नेम भी डाल सकते हैं। तो फॉन्ट का नेम डालने के लिए आपको अलग से एक स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें आप फॉन्ट का नेम वगैरह डाल के रख सकते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करके वापस से देखता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर प्रीव्यू में जाता हूँ।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन ने जो भी डिटेल डाला था वो अपना रेड हो चुका है, एक अपने बॉर्डर के अंदर में आ चुका है, यहाँ पे ब्लू हो गया, इधर रेड हो गया। तो इस तरीके से आप कोई सा भी डिटेल कस्टमाइज करके इनवॉइस के अंदर में ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं एड्रेस ही ऐड करना है या कुछ भी चीज़ें जो भी आपको लगे कि इनवॉइस में यहाँ पर आनी चाहिए वो चीज़ें आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब अपने को मान लीजिए अगर ये एड्रेस भी रखना है और अपना डिटेल भी रखना है दोस्तों, तो क्या करेंगे? अपने को अगर दोस्तों एड्रेस भी रखना है, अपनी डिटेल भी रखनी है, तो अपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन ने ये जो डिलीट वाली लाइन यहाँ पे ऐड करके रखा था बस इसको हटा देना है आपको। तो ये जो डिलीट करके अपन ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसको हटा देने से ही आपका सारा कुछ वापस आ जाएगा और ये जो नई चीज़ें आपने ऐड किया वो भी वहाँ पर रहेंगी ही रहेंगी। इसको रिफ्रेश करते हैं, वापस से एक बार चलते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भावनगर गुजरात करके थोड़ा सा ये दब गया है क्योंकि ये अपना वाला डिटेल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी कलर्ड डिटेल या बॉक्स के अंदर जैसा भी आप चाहें वैसा डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। बाकी पुराना डिटेल भी रख सकते हैं और पुराना हटाना चाहें तो कैसे डिलीट करना है भी आपने, सिर्फ ये डिलीट लिखा था सामने लाइन्स के और वो चीज़ें अपनी वहाँ से डिलीट हो गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और भी ऐसी कौन सी जानकारी चाहिए आपको इनवॉइस के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।